हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर योरसेल्फ। मैं हूं महबूब आलम। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम लोग ब्लॉगिंग किन किन लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आता है मेरी तरह, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में कि हम लोग ब्लॉगिंग किस लैंग्वेज में करें, हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, बंगाली में करें, अगर हिंदी में करें तो कौन से हिंदी में करें। इस तरह का बहुत सारा सवाल होता है जो कि मुझे अक्सर कमेंट बॉक्स में या मेरे फेसबुक पेज पर पूछा जाता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है नहीं करना है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपने कंट्री की बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हिंदी में देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, ये सब कंट्री में देखा जाएगा। तो हम लोग अपनी ही कंट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो ये सब भाषा को समझ सकते हैं, जैसे कि हिंदी हम लोगों को आता है, ठीक है, इंग्लिश आता है, बंगाली आता है, नेपाल आता है, तमिल आता है, उर्दू आता है। इस तरह का बहुत सारा लैंग्वेज इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कंट्री में ये सब में बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन सारे लैंग्वेज में अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिखे तो क्या एडसेंस अप्रूव होगा? तो इसका जवाब है हाँ, ज़रूर होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बंगाली में लिखो, नेपाली में लिखो, तमिल में लिखो, उर्दू में लिखो, ये सब लैंग्वेज में अब एडसेंस अप्रूव होने लगा है, ठीक है। तो अब अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि अगर हम लोग इन सब लैंग्वेज में अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिखेंगे कि एडसेंस अप्रूव होगा कि नहीं होगा। तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि हम लोग अगर हिंदी में आर्टिकल लिखें तो किस हिंदी में आर्टिकल लिखें, यानी कि जैसे कि एक शुद्ध वाला हिंदी होता है, ठीक है, जो काका काका होता है ना, उस तरह का हिंदी होता है। और एक तो होता है व्हाट्सएप वाला हिंदी, जैसे कि हेलो भाई क्या कर रहे हो, इस तरह का हम लोग व्हाट्सएप वगैरह में लिखते हैं। तो इस तरह का आर्टिकल लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा या शुद्ध वाला हिंदी में आर्टिकल लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन से वाले लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा? तो देखो, अगर आप शुद्ध हिंदी में अगर आर्टिकल लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गूगल वो वाले हिंदी को शुद्ध हिंदी मानेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हिंदी है ना। और ये वाला तो हम लोग ज़बरदस्ती का इसको हिंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये हिंदी है ही नहीं, ठीक है, ये तो इंग्लिश कहलाता है, इंग्लिश, ठीक है, ये इंग्लिश कहलाता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखा जाता है कुछ इस तरह से, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में लिखते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह का लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम लोगों को बात करने में आसानी होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बात बताना चाहूँगा, देखो शुद्ध वाला हिंदी जो होता है वो हर किसी को नहीं आता है, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखोगे ना तो 30% 40% लोगों को शुद्ध वाला हिंदी आता है, जैसे काका काका होता है ना, वो वाला हिंदी बहुत कम लोगों को आता है। और ये वाला जो होता है ना, ये सबको आता है। ये वाला देखो, पाकिस्तान में देखो, अगर आपका जो हम लोग का ज़बान जो है, पाकिस्तान का हो गया, नेपाल का हो गया, फिर इसके बाद से दुबई का हो गया, ये सब क्या हुआ, ये सब लैंग्वेज अगर आप दे दोगे लोगों को हिंदी पढ़ने, शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे लोग, क्योंकि वो लोगों का ज़बान ही नहीं है, ठीक। और अगर अपने वेबसाइट पे आप इस तरह का आर्टिकल लिखोगे, हेलो भाई क्या कर रहे हो, ये इस टाइप का अगर कंटेंट लिखते हो, तो ये सब लैंग्वेज ये सब कंट्री के लोग पढ़ लेंगे, दुबई के लोग, नेपाल के लोग, श्रीलंका के लोग, तमिल के लोग, क्योंकि इस तरह का लैंग्वेज ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो यही फॉलो करता हूँ अपने वेबसाइट पे। ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या होता है, इससे ज़्यादा रीच बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपके वेबसाइट पे लोग आए। लेकिन अगर आप SEO पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो वाला हिंदी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपके वेबसाइट पे ज़्यादा लोग कम आएंगे, क्योंकि वो वाला हिंदी ज़्यादा किसी को नहीं आता है और ये वाला ज़्यादा आता है, ठीक है। जो कि ये बात बताना ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कमेंट बॉक्स में कि कौन सा हिंदी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये वाला हिंदी चाहे शुद्ध हिंदी वाला हिंदी, ठीक है। तो इसका जवाब है ये वाला हिंदी, क्योंकि मैं भी अपने वेबसाइट पे यही वाला फॉलो करता हूँ, यही वाला हिंदी फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता है, मैं भी इंग्लिश में मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरा काम चल जाता है, मैं इंग्लिश को समझ लेता हूँ, लेकिन अगर मुझसे आप बोलोगे इंग्लिश में मुझसे आप बात करो तो मेरा ज़बान लड़खड़ाने लगेगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप भी ब्लॉगिंग करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको भी मेरी तरह इंग्लिश नहीं आता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी कुछ इस तरह से अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन सारे लैंग्वेज में एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखो, अगर इंग्लिश में आप आर्टिकल लिखोगे ना, बहुत ज़्यादा आपका चांसेस ज़्यादा है कि आपका वेबसाइट ग्रो कर जाएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि इंग्लिश जो है पूरी दुनिया का भाषा है, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से लोग सर्च करते हैं गूगल पे कंटेंट को ढूंढने के लिए, इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं गूगल ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ
टू लूज वेट, ठीक है। देखता हूँ कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है मंथली, देखो यानी कि ऑलमोस्ट 100,000 मंथली सर्च है इस कीवर्ड का, यानी कि लोग सर्च करते हैं गूगल पे ढूंढने के लिए कि मोटापा कैसे कम करें। और अगर मैं यही ये वाला लिख दूँ, देखो जैसे कि मोटापा कम करना, ठीक है, कम करने का घरेलू तरीका, फिर इसके बाद से मोटापा कम करने का, कम करने के लिए डाइट, मोटापा कम करने के लिए योगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखलाता हूँ। जैसे मोटापा कम करना, इसको छोड़ दो आप, ये तो कुछ सेंटेंस नहीं बनता है, इसको मैं दिखलाता हूँ आपको, देखो। तो देखो यहाँ पर इसका मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है, 70 ओनली, यानी कि 70 ही लोग एक महीने के अंदर ये वाला कीवर्ड सर्च करते हैं ढूंढने के लिए कि मोटापा कैसे कम करें, ठीक है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप खुद देख सकते हो, उसका सर्च वॉल्यूम कितना था और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। और मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, देखता हूँ कि ये कीवर्ड गूगल पे कितना सर्च होता है इंग्लिश में मंथली, ऑलमोस्ट 27,000 बार, ठीक है। और हिंदी में देख लेता हूँ मैं, इंटरनेट से पैसे पैसे कैसे कमाएं, वो था 27,000 बार और ये है 1,000 बार। तो अब अंदाजा लगाओ आपके वेबसाइट पे कितने आएगा मंथली विजिटर, अगर आपका वेबसाइट यहाँ पर अगर पहले पेज पे रैंक करने लगता है तब भी, ओके, 1,000 बार ये कीवर्ड मंथली सर्च हो रहा है और वो कितना सर्च हो रहा है, 27,000 बार, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, यहाँ पर आपको विजिटर बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि ऐसा सर्च करने वाले लोग बहुत ही कम है। और इंग्लिश में क्या है, पूरे वर्ल्ड से ट्रैफिक आ रहा है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंग्लिश ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक और फ़ायदा बता देता हूँ ये वाले लैंग्वेज का, ठीक है। देखो ये वाले लैंग्वेज पे कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है, ठीक है। जब भी देखो हम, जैसे कि मैं आपको ब्लॉगिंग सिखला रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए इंडिया में ऑलमोस्ट कितना इस तरह से आप इन लोगों का वेबसाइट कितना होगा जो इस तरह से लिखते होंगे, बहुत ही कम होगा ना, मुश्किल से मान लेता हूँ मैं 5,000-10,000 होगा, ठीक है। इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। और अगर इंग्लिश में लोगे तो पूरी दुनिया से लोग ब्लॉग बना के बैठे हैं ताकि वो कीवर्ड पे रैंक करें, ठीक है, तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रैंक करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपका वेबसाइट यहाँ पर रैंक करेगा क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, ठीक है, इसमें आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप यहाँ पर पहले पेज पर रैंक करें अगर आप ठीक तरह से काम करोगे, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, बैकलिंक बनाना, अच्छा से अच्छा आर्टिकल लिखना इन्फॉर्मेशन वाला, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप यहाँ पर रैंक करो इस तरह के लैंग्वेज पे, ठीक है। तो इसका एडवांटेज यही है, अगर आप ये वाले लैंग्वेज पे लिखोगे तो आपका चांसेस ज़्यादा है आप यहाँ पर रैंक कर पाओ क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन कम है। और अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये है कि आपके वेबसाइट पे ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन आपको गूगल पे पहले पेज पे रैंक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा, ओके। तो अगर आपको इंग्लिश में अगर लिखना भी है तो आप कुछ ऐसा नीच चूज़ करो, कुछ ऐसा टॉपिक चूज़ करो जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो ताकि आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल के पहले पेज पर रैंक करो, तभी तो ट्रैफिक आएगा ना, वरना कैसे आएगा ट्रैफिक, आप ही बताओ। तो ये तो बात हो गया हिंदी का और इंग्लिश का, ओके। और रहा बात एडसेंस का, तो एडसेंस आपको इस तरह के सभी लैंग्वेज में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ओके। तो अगर आपको उर्दू आते हैं तो आप उर्दू में भी कुछ इस तरह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो इस तरह के लैंग्वेज में, ओके। तमिल में भी कर सकते हो, नेपाली में भी कर सकते हो, आपको जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, हो सकता है आप फेल भी होगे, हो सकता है आप पास भी हो जाओगे, आप करते ही करते ये सब चीज़ सीखोगे, ठीक है। आप सोचोगे मैं 100% सक्सेस हो जाऊंगा, जी ऐसा नहीं होता है, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ, कुछ चीज़ों में सक्सेस हो जाता हूँ, कुछ चीज़ों में नहीं हो पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो चीज़ ट्राई करना छोड़ दूँ, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो अगर आप कंफ्यूज हो किस लैंग्वेज में करें, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आप बंगाली में करना चाहते हो तो बंगाली में करो। देखो मैं आपको बंगाली में नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा, मुझे बंगाली आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि बंगाली में इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, मुझे ये लिखना नहीं आता है यहाँ पर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर नहीं बता सकता। इस तरह से तमिल हो गया है, नेपाली हो गया है, अब अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखो, यहाँ पर लिखो
जैसे अगर नेपाली में लिखोगे इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हैं उसका सर्च वॉल्यूम देखोगे इतना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये सर्च वॉल्यूम कैसे पता चल रहा है तो मैं आपको बता दूँ, ये कीवर्ड एवरीवेयर का कमाल है, आप उसको अपने ब्राउज़र पर इंस्टॉल कीजिए, कैसे करना है नहीं करना है अगर आपको नहीं पता है तो। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वाले वीडियो को देख करके सीख सकते हो कि कीवर्ड एवरीवेयर को अपने ब्राउज़र पर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर देखो, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएँ, व्हाट्सअप से पैसे कैसे कमाएँ, गूगल से पैसे कैसे कमाएँ, मोबाइल से पैसे कैसे कमाएँ, तो इस पर चांसेस ज़्यादा है कि ब्लॉग का पोस्ट रैंक करेगा गूगल के पहले पेज पर अगर आप ठीक तरह से काम करोगे तो, ठीक है। और अगर इंग्लिश को अगर पकड़ोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि आप रैंक करो, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, ठीक है। आपने अभी इतना महारत हासिल नहीं किया है कि आप इंग्लिश में लोगों को टक्कर दे करके आप उनको पीछे कर करके आप आगे हो जाओ, ठीक है। मेरे अंदर भी इतना ताकत नहीं है कि मैं लोगों को ये सब लैंग्वेज में, मैं आपको बता देता हूँ ये सब कीवर्ड में, जैसे कहे ना मेक मनी ऑनलाइन, ये सब कीवर्ड में मैं भी अभी रैंक करवा नहीं सकता, क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ, ठीक है। कैसे लोगों को नीचे लाना है, अपने ऊपर जाना है, ठीक है, अच्छे से अच्छा ब्लॉग कैसे बनाना है, एसईओ कैसे करना है, ऑन पेज ऑफ पेज, ये सब चीज़ मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं भी कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ, मुझे जितना आता मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आप कौन से लैंग्वेज में अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।